पर तालियाना टोल प्लाजे पर टोल कर्मियों की मनमानी को लेकर जीवाना क्षेत्र के किसान व ग्रामीण एकत्र हुए हैं। हमारे साथ कई किसान हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी बताएं, टोल कर्मियों की क्या मनमानी है और आपकी क्या मांग है? जीवाना से भिजमल जाने वाली रोड पर 2 महीने पहले टोल प्लाजा शुरू किया गया था, तो उसके अंदर हमने पिछली बार करीब 1.5 महीने पहले 1 दिन का धरना दिया था। तो प्रशासन और टोल कर्मियों और धरनार्थियों के बीच में हमारी वार्ता हुई थी और उसके अंदर सहमति बनी थी। कुछ गांवों का टोल निजी वाहनों का इन्होंने मुक्त किया था। अब करीब पिछले 10 दिन से वो टोल वापस इन्होंने वसूलना शुरू किया। कल रात को हमने जाके बात की टोल कर्मियों से, तो उन्होंने हमारे को जवाब सही नहीं दिया और ये कहा कि हम तो टोल लेंगे, आपको जो करना है जो कर लो। इस क्रम में हमने आज यहाँ उपखंड अधिकारी जी के उप तहसीलदार के मार्फत ज्ञापन दिया और उसमें कहा है कि भाई 1-2 दिन के अंदर कार्रवाई कर वापस टोल मुक्त करवा दे, नहीं तो हम सोमवार या मंगलवार से वापस धरने पर बैठेंगे। हमारे साथ और भी कई किसान हैं, आपकी क्या मांग है? साहब जी, हमारी मांग ये, हमारे जीवाणा उप तहसील के मतलब इतना 10-12 गाँव है, 10-12 गाँवों का टोल हम मतलब फरी साथ हम खेतलावा, सालवाड़ा, दूधुआ और नारवाड़ा ये दो मतलब 3 किलोमीटर चलते हम तालियाना से इंटर होते इस रोड पे और जीवाणा हमारी उप तहसील है, बिजली घर है, हमारे कई काम जीवाणा में होते हैं, मंडी है, सब कुछ है। मंडी के लिए हम किसान आते हैं तो उसके लिए उनकी इन्होंने मनमानी है, पूरा 60-50 किलोमीटर का ये टोल वसूल करते हैं हमारे से, तो ये सरासर गलत है। और इन्होंने बोला कि भाई हम पीली प्लेट तो हम अपने राजस्थान में हमारे किसान के घर में कैंपर है, टोली के एवज में हम यूज करते हैं कैंपर को, तो किसी की तो वाइट प्लेट है, अमूमन पीली प्लेट ही से है, टोली के रूप में हम मतलब दाड़म वगैरह अनार मतलब बिजली घर में ट्रांसफार्म जला हुआ नया लेने के लिए आते हैं तो हम टोली के एवज में यूज करते हैं। तो इन्होंने ये पीली प्लेट वगैरह मतलब कैंपर और ये पिकअप टोला के लिए टोल वसूला जाता था, ये सरासर गलत है। किसान की नहीं तो ये उनको सकल से ही पता चल जाता है, व्यापारी का लोन, भाई हम किसान है, किसानों की क्यों ले रहे हो? तो जमीन हमारी ली है इन्होंने और टोली भी हमारे से वसूल रहे हैं, ये हमारे साथ बहुत धोखा हो रहा है और गलत हो रहा है। मतलब पिछला 1-1.5 महीने से मतलब ATM साहब वगैरह इनके साथ मदता होके मतलब वार्ता हुई थी, वो भी इन्होंने मतलब दर किनार करके ये मांग नहीं मानी जा रही है और मतलब 4-5 दिन से टोल वसूला जा रहा है, तो बहुत गलत है। अभी कल रात को हम गए और उनको समझाने की कोशिश की, भाई ये टोल आप वसूल रहे हो गलत है, आप वादा खिलाफी के साथ मुकर रहे हो तो बहुत गलत है। तो इन्होंने बोला भाई जो आपको करना है कर दो, भले हड़ताल करो, धरना करो, कुछ भी करो, हम टोल वसूलेंगे। अभी हम ये आज अपने ज्ञापन दिया है ATM साहब के नाम, तहसीलदार जी को, उप तहसीलदार को, और कल परसों तक नहीं माना तो हम लोग धरना देंगे अनिश्चित काल के लिए, वहाँ जाके बैठेंगे रोड पे और सभी किसान बैठेंगे। ये तो हमारे साथ ग्रामीणों की मांग थी कि जो टोल कर्मियों ने पहले कई गांवों पर टोल मुक्त किया था उनका वापस टोल लेना शुरू कर दिया है, ऐसे में आज चेतावनी के रूप में ज्ञापन दिया है, अगर ये सोमवार तक टोल माफ नहीं होता है तो ये वापस अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। कैमरामैन विजय के साथ सुखदेव सिंह राजपुरोहित, सायला। कई बार फोन करे सोड़े कई बार घंटा होकर आ गया लाला 3-4 दिनों से बिल्कुल टोल नहीं है तो गाड़ी नहीं हिले बैठे आ बात मैं टोल कर्मियन जाए रात की थी कि भाई देख क्यों करे दिया इसलिए मैंने माने स्पष्ट किया भाई मैं टोल लेना बंद नहीं करा मैं तो टोल लिया और मैंने धरना दो प्रशासन को जवाब कटे जवाब नहीं कोई मतलब अब आपने मैं यह बंद अनाज दी तो है कि काले काले का टाइम है अगर कंपनी वाला आ बात आपकी मौन है और
व्यवस्था जो बैठे जो बैठते हुए बैठा था मेरे परमिट भी मारे धरना देना पसंद सोमवार तक टाइम है सोमवार तक आप आपने नंबर और सोमवार तक अगर नहीं हुआ तो मंगलवार तक मैं धरना पाता 100% नहीं है हाँ मंगलवार आपकी बातचीत करवा वगैरह टाइम लागे प्लस जो मतलब किसान और अगर तो कैंपर ही से हाँ